किड्स में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे एक महाराष्ट्रियन रेसिपी, ये रहता है जाम। जाम का पंचामृत हम करेंगे, इसको पेरू भी बोला जाता है महाराष्ट्र में। और इसका हम पेरू का आज हम बनाएंगे पंचामृत। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और पारंपरिक रेसिपी है ये महाराष्ट्र की, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, ज़रूर बनाकर देखिए। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो मध्यम आकार के पेरू लिए हैं, जाम लिए हैं। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1/2 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है। और यहाँ पर मैंने लिए हुए मेथी दाना, और ये है 1/2 टीस्पून मैंने जीरा लिया हुआ है, यहाँ पे 1/2 टीस्पून मेथी दाना। और यहाँ पर है 1/2 टीस्पून मैंने मिर्च पाउडर ली हुई है, लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार हम डालेंगे। और यहाँ पर है 1-2 हरी मिर्च की कटिंग, कट किए हुई हरी मिर्च मैंने ली हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून तेल लिया है, इसकी जगह आप 1 टेबल स्पून घी भी डाल सकते हो, उसका भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। और यहाँ पर है 1/2 टीस्पून मैंने राई ली हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो राई छोटी वाली। यहाँ पर मैंने 1/4 कप गुड़ लिया है, और हमने लिया हुआ है धनिया, हरा धनिया सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए। सबसे पहले हम ये जो जाम है इनको कट कर लेते हैं। इसका हमने ऊपर नीचे का जो पोर्शन था वो निकाल दिया है, इसको मैंने हाफ कर लिया जाम को। पेरू का पंचामृत बनाते टाइम एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो पेरू रहता है, जाम रहता है, ये पका हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। पका हुआ पेरू हम इसके लिए यूज़ करेंगे। और एक चम्मच की हेल्प से देखिए यहाँ पर बस बीच में से ये जो बीज रहते हैं उसके वो निकाल देंगे, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बीज रहते हैं ये एकदम कड़क कड़क रहते हैं, तो ये सारे हम निकाल देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ये पोर्शन के हम फिर कट कर लेंगे, पीसेस में कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जाम के पीसेस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं रेसिपी को। और यहाँ पर मैंने ली हुई है इमली का पल्प। इमली को मैंने थोड़ा सा भिगो के उसका पल्प निकाल लिया था, घोल तैयार कर लिया था उसका। इमली को मैंने 1-2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख के इसका तैयार किया हुआ था। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है, गैस को हम कर देंगे ऑन और फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम। कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हमने डाल दिया, ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं राई दाना, जो हमने राई दाना लिया हुआ था वो हम डालेंगे, और इसको उसमें होने देंगे, फूटने देंगे राई को। राई फूट चुकी है हमारी, गैस को हम स्लो कर देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची के जो पीसेस हमने कर लिए थे वो सारे हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा उसको होने देंगे। इसमें डालेंगे हम करी लीव्स, कड़ी पत्ता के जो लीव्स रहते हैं वो हम इसमें डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हींग हमने डाल दिया इसमें। हम इसमें डालेंगे जीरा, जीरे को थोड़ा होने देंगे। अब हम डालेंगे इसमें मेथी दाना, मेथी दाना हमने डाल दिया है, उसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, जो हल्दी पाउडर हमने ली हुई थी, और लाल मिर्च पाउडर हम डालेंगे, ये मसाला थोड़ा सा गरम मसाला हमने लिया था वो डालेंगे, और हम डालेंगे ये धनिया पाउडर, और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से हिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने इमली का घोल तैयार किया हुआ था वो हम इसमें डालेंगे। और इसमें हम डाल देंगे हमारा जाम, जाम के जो पीसेस हमने कर लिए थे वो हम इसमें
डाल देंगे पेरू के पीसेस और इसको हम अच्छे से हिला लेंगे। अच्छे से हिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे गुड़, जो हमने गुड़ लिया हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया। बाकी का धनिया मैंने वैसे ही रखा हुआ है, हम गार्निशिंग के लिए उसको रख देंगे। नमक हम इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गैस को हम थोड़ा मीडियम कर देते हैं। मैंने इमली का घोल डाला था इसलिए अभी मुझे बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर इमली का घोल थोड़ा कम है तो भी चलेगा, हम इसमें पानी की क्वांटिटी डाल सकते हैं। थोड़ा पानी डाल देंगे तो वो अच्छे से हो जाता है। इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून इसमें मैंने पानी डाल दिया, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम पकने देंगे। इसको ढक देते हैं, गैस को स्लो कर देते हैं। 5 से 6 मिनट हमारे हो चुके हैं और हम देखते हैं इसको, और यहाँ पे हमारा जो जाम है वो काफ़ी अच्छे से पक चुका है। हमको कहाँ तक इसको पकाना है, जब तक कि हमारा जो पल्प है वो ट्रांसपेरेंट ना दिखाई दे वहाँ तक हमको इसको पकाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट में ये हो जाता है और हम गैस को बंद कर देते हैं। और बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है, बहुत अच्छी पारंपरिक रेसिपी है, बहुत अच्छी लगती है, ज़रूर बनाकर देखिएगा आप। पंचामृत को मैंने बाउल में निकाल लिया है, बहुत ही अच्छा। हम इसको अब थोड़ा सा गार्निश करते हैं हरे धनिए के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि जो भी अगला वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू सो मच।